बड़ी खबर सामने आ रही है विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभय चौटाला ने दो जगह से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोग फैसला करेंगे मुझे दूसरी किस जगह से चुनाव लड़ना है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये 4 या 5 सितंबर तक तय हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनेलो और बसपा का गठबंधन है प्रदेश में। इनेलो नेता अभय चौटाला इस बार दो जगह से विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं, इस बात के संकेत उन्होंने दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो जगह से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं अभय चौटाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। इलाहाबाद सीट से विधायक हैं अभय चौटाला और इनेलो बसपा का गठबंधन है। अब विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो बसपा के बीच गठबंधन हुआ है, सीट शेयरिंग भी हो चुकी है और सभी उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है इनेलो बसपा में। जल्द ही फैसला होगा, ये बात भी कहते हुए नजर आए अभय चौटाला। उन्होंने बताया कि 4 या 5 तारीख तक सभी सीटों पर फैसला हो जाएगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, और साथ ही साथ उन्होंने खुद के 2 सीटों से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता हूं, दूसरी कौन सी सीट होगी ये भी लोगों को तय करना है, कार्यकर्ताओं को समर्थकों को तय करना है, उनकी बात मानी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला दो जगह से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं, दो जगह से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर, इनेलो नेता अभय चौटाला दो जगह से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, इस बात के संकेत उन्होंने खुद दिए हैं। अभय चौटाला दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। बीएसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है इनेलो की तरफ से। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो चुका है और अब उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। अभय चौटाला ने खुद इस बारे में कहा है, इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में INLD और BSP का गठबंधन हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए। कितने जिले अब तक कवर कर दिए? टोटल कर दिया 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र कर दिए। अब 1 तारीख से फिर मीटिंग है शुरू हमारी, 1-1 दिन में 2-2 विधानसभा। बस ये मान के चलो 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और 4 या 5 को सारा फैसला कर देंगे, अपने अपने किस किस को लड़ाने तय कर देंगे। तुम्हें तो और बता, तू कहाँ से लड़ना है, कोई और जगह से लड़ना था आप बता दे। एक जगह से और भी लड़ सकता हूँ, दो जगह से लड़ूंगा। तो आपने सुना, वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आया कि एक जगह से और भी लड़ सकता हूं, यानी कि 2 जगह से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं अभय चौटाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं अभय चौटाला। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा चर्चा करेंगे इस विषय पर। अमित, क्या कुछ समझा जाए जिस तरह से अभय चौटाला ये कहते हुए नजर आए कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इनेलो बसपा का गठबंधन हो चुका है, इलाहाबाद सीट पर क्या इस बार कुछ मुश्किल स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए जितेंद्र, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। अभय सिंह चौटाला के सामने इस समय बड़ी चुनौती जो है वो इनेलो के गिरते ग्राफ को संभालना है और साथ साथ एक उनके सामने एक बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के अस्तित्व को, अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि देखिए, उन्होंने गठबंधन किया है BSP के साथ और इसी गठबंधन के साथ वे चुनाव मैदान में तालमेल के साथ उतरने जा रहे हैं, लेकिन कितना करिश्मा वे कर पाएंगे और कितने वे वोट जोड़ पाएंगे एक अलग बात है। लेकिन इलाहाबाद की उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया था, के बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में उन्हें काफी कश्मकश के बाद वहां से जीत मिल गई थी। इस बार भी वे इलाहाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वे बार बार इस बात को कहते हैं और साथ साथ इस बात का भी उन्होंने इशारा किया कि अगर पार्टी का हाईकमान आदेश देगा
तो वे दो सीटों पर भी लड़ सकते हैं। दूसरी सीट उनकी चर्चा में इसलिए भी है उचाना कला, क्योंकि पहले से ओम प्रकाश चौटाला भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और देखिए दुष्यंत चौटाला भी वहां से चुनाव पहले मैदान में ताल ठोके हुए हैं। ऐसे में सामने आते हैं नहीं आते, पारिवारिक तौर पर क्या बातें रहती है ये आगे की बात है, लेकिन ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है कि अभय सिंह चौटाला दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने बातचीत में इसको इशारा भी किया है कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए। तो देखने वाली बात है कि वो पार्टी क्या निर्णय उनके लिए लेती है, लेकिन यह एक जरूर है कि उनके सामने सबसे बड़ा एक संकट जो है वो एक वोट प्रतिशत जो चुनाव चिन्ह बचाने के लिए होता है जी। तो वो लेना उनके लिए जरूरी है और इसी लिए ज्यादा से ज्यादा उनके पारिवारिक सदस्य भी चुनाव मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे और अभय सिंह चौटाला भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जी जी चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभय चौटाला दो सीटों से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, इस बात के संकेत उन्होंने खुद दिए। देखना होगा दूसरी कौन सी सीट अभय चौटाला चुनते हैं जहां से वो विधानसभा चुनाव में सियासी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभय चौटाला दो सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इनेलो और बसपा का गठबंधन है विधानसभा चुनाव के लिए,